जहां भारत न्यूजीलैंड को अभी हार का स्वाद चखाकर ही हटा था, वैसे में ही एक खबर उठ के आती है कि विराट कोहली आखिरी के दो ओडीआई और टी20 सीरीज नहीं खेलेंगे। जी, मैं हूं राजन नाथ, मेरे साथ है मोहित। आज हम बात करने वाले विराट कोहली की स्टेटमेंट के ऊपर, जो कि मीडिया के हवाले से खबर है कि विराट कोहली को आखिरी के दो ओडीआई और पूरी टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ रेस्ट दे दिया गया है। इतनी बड़ी खबर आना, भारतीय टीम के आगे की परफॉर्मेंस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत सोच समझ के बीसीसीआई ने फैसला लिया है और मीडिया रिपोर्ट से हवाले से खबर है कि अभी ये भारत जो बीसीसीआई ने फैसला लिया वर्ल्ड कप को देखते हुए लिया, क्योंकि हमारे लिए वर्ल्ड कप बहुत अहम है, क्योंकि लगातार विराट कोहली लगातार ही टेस्ट मैच तीनों फॉर्मेट, उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं जो तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं, तो उस हिसाब से बीसीसीआई ने सोचा होगा कि अभी ने आराम दिया, अगर इनकी इंजरी हमें आगे बहुत नुकसान दे सकती है। इनका रेस्ट देना, जहनी तौर पर स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय टीम में शायद मेरे हिसाब से विराट कोहली इकलौते खिलाड़ी जो लगातार कंटिन्यूस तीनों टी20 और टेस्ट और वनडे तीनों में लगातार रन बना रहे हैं और खेल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बीसीसीआई ने सोच समझ कर फैसला लिया। अच्छा, एक और चीज़ जो मीडिया के हवाले से खबर आ रही है वो ये है कि अगर विराट कोहली नहीं तो रोहित शर्मा उनकी एब्सेंस में लीड करेंगे टीम को। क्या लगता है, रोहित शर्मा अभी उस तरीके से रेडी हैं? टी20 का चलो माना जा सकता है क्योंकि एशिया कप में भी उन्होंने जीत दिलाई थी अभी रोहित शर्मा ने, लेकिन ट्रॉफी में भी लेकिन ओडीआई सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी रेडी हैं रोहित शर्मा? देखिए, रोहित शर्मा पे कभी सवाल कभी नहीं उठ सकता, क्योंकि बड़े बल्लेबाज हैं, हमेशा जब भी अवसर आया है विराट कोहली की गैर हाजिरी में उन्होंने करके दिखाया है। हर कोई जानता है कि निधास ट्रॉफी हो, तमाम कोई सीरीज रही हो, टी20 हो, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई ने सोच समझ के फैसला लिया है और मुझे लगता है रोहित शर्मा इस वक्त पूरी अच्छे तरीके से जिम्मेदारी को संभाल लेंगे और रोहित शर्मा जब भी कप्तानी में आते हैं तो कप्तानी अलग उनका बदल जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है, धोनी के ऊपर अब कितनी जिम्मेवारी आएगी, क्योंकि सबको पता है विराट कोहली के होने के बावजूद भी वो पीछे से कप्तानी तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन अब क्योंकि विराट कोहली ऑफिशियली रेस्ट पे जा रहे हैं तो वो धोनी के ऊपर कितना जिम्मेवारी आएगी उनके पूरी मैच की? बिल्कुल जिम्मेदारी आएगी। और दूसरा, रोहित शर्मा जो चाहते हैं कि धोनी नंबर 4 पे आए, वो हमेशा मतलब उन्होंने कई बार इंटरव्यू के दौरान भी खुलासा किया है, तो ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा चाहेंगे कि धोनी फिर दोबारा उसी क्रम में बल्लेबाजी करें। सबसे बड़ा बदलाव तो टीम में आपको देखने को मिल सकता है। और दूसरा ये कि धोनी के उससे रोहित शर्मा और धोनी में एक अलग बॉन्डिंग है जो मैदान पर भी दिखाई देती है, मैदान के बाहर भी दिखाई देती है, और ज़रूर इसका फायदा टीम इंडिया को मिलता भी रहा है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जोड़ी जो है न्यूजीलैंड में हमारी नैया पार लगा देगी। चलिए, बीसीसीआई ने तो रेस्ट दे दिया कोहली को, क्योंकि वर्ल्ड कप हमें भारत में चाहिए। देखना होगा कि आने वाली सीरीज में होगा क्या, क्या विराट कोहली का जाना भारत के लिए कुछ खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा या फिर बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ेगा, तो ये आने वाली सीरीज बताएगी। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के जरिए हमें अपनी बात बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।